3 दिन तितली को मिले थे अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग ही है तितली और गर्व के बीच में, थोड़ी नाराजगी है गर्व के साइड से। तो जब पढ़ता हूँ सीन्स एंड आई रिएक्ट टू सीन्स एंड आई रीड द लाइन्स, तो मुझे लगता है हाँ ओके, तो फिर उसको अपने हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में प्ले करूँ। अगर आप उनको कुछ फील करा पा रहे हो, अगर वो अच्छा फील कर रहे हैं तो आपको अच्छा बोल रहे हैं, अगर वो बुरा फील कर रहे हैं तो बुरा भी बोल रहे हैं। थैंक यू। अभी 3 दिन मिले थे, 3 दिन तितली को मिले थे अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। तो अब वो 2 दिन ख़त्म हो गए हैं, तो अब उसके पास सिर्फ 14 घंटे बचे अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो इनोसेंट है। तो अभी वही चल रहा है। तुझसे इतना प्यार करता है, अगर तू इसका आधा भी इससे कर ले ना। पड़ी माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गर्व से प्यार नहीं करती? अगर ऐसा होता तो ये जानने के बाद कि आप सब मुझ पर यकीन नहीं करते हैं और आप सब ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो मैं चली जाती। पर मैं यहाँ रुकी पड़ी माँ, क्योंकि क्योंकि गर्व के लिए मेरा प्यार सच्चा है, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। बोला बरोबर छे। मिसअंडरस्टैंडिंग ही है तितली और गर्व के बीच में, थोड़ी नाराज़गी है गर्व के साइड से। और जब भी गर्व के पीओवी से चीज़ें हो रही होती हैं तो हमेशा तितली गलत प्रूफ हो जाती है, और या तो कोई झूठ बोल देता है, मैनिपुलेटिव चीज़ें कर देता है तितली के साथ। तो वो सब चीज़ें जब गर्व देखता है बोलता है लो फिर से तुम ही गलत निकली हो, तो वो नाराज़गी उसकी बढ़ जाती है, प्लस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है तो चीज़ें यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ मचा देता है। अरे कुछ घंटे बचे हैं तुम्हारे पास, वो अभी खत्म हो जाएंगे। फिलहाल तुम लोग अपना व्रत खोलो, चलो घर चलो। मैं अपना व्रत नहीं खोलूं। जब तक गर्व मेरा व्रत नहीं खुलवाएगी तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, क्योंकि है अनप्रडिक्टेबल सा है एंड थोड़ा बहुत रिलेट कर लेता हूँ मैं इस कैरेक्टर से, क्योंकि मतलब 80-90% मैं भी ऑलमोस्ट पहले मना करता था, बट मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत ऐसा, क्योंकि रियल लाइफ में सारे ऐसे ही होते हैं, कोई इतना वाव नहीं होता है, सब थोड़े बहुत इम्परफेक्ट होते हैं, तो ये भी वैसा ही है। तो जब पढ़ता हूँ सीन्स एंड आई रिएक्ट टू सीन्स एंड आई रीड द लाइन्स, तो मुझे लगता है हाँ ओके, तो फिर उसको अपने हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में प्ले करूँ तो ऑडियंस एंटरटेन हो जाए। सी इट्स टोटली ओके, सी इफ यू आर डूइंग समथिंग रियली नाइस पीपल विल अप्रिशिएट, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एज मतलब व्हाइल प्लेइंग द कैरेक्टर दे विल ट्रोल यू, बट दैट्स ओके, दैट्स मतलब एज एन एक्टर दैट्स अ रिवॉर्ड राइट। अगर आप उनको कुछ फील करा पा रहे हो, अगर वो अच्छा फील कर रहे हैं तो आपको अच्छा बोल रहे हैं, अगर वो बुरा फील कर रहे हैं तो बुरा भी बोल रहे हैं, तो दे आर फीलिंग योर कैरेक्टर, सो दैट्स अ रिवॉर्ड। आई जस्ट वॉन्ट देम टू रिएक्ट टू इट, वेदर इट्स वेदर दे आर बैशिंग मी और वेदर दे आर अप्रिशिएटिंग मी, दैट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट एंड अ रिवॉर्ड फ्रॉम माई ऑडियंस। What do you have to tell
थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड यू कैन एक्सेप्ट यू कैन एक्सपेक्ट ऑल द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन अपकमिंग प्लॉट एंड बहुत मज़ा आएगा एंड आई एम श्योर आप लोग अब देख रहे हो कैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं एंड लेयर्स कैसे हैं इस कैरेक्टर्स के. तो अब अलग अलग डायनामिक्स होंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी. तो अभी ऑलमोस्ट प्लॉट तो खुल ही गया, सो नाउ वी आर मतलब डेवलपिंग द कैरेक्टर्स एंड उनके अदर रिएक्शंस कि वो इस चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करेंगे. थैंक यू सो मच गाइज.